हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करती हूँ किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए रेडी होने के लिए, या अगर घर पे कोई पार्टी रखी है या किसी भी ओकेजन के लिए किस तरीके से मैं अपने बैंगल्स को फटाफट से मिक्स एंड मैच करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसको मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से, इसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है मेरे चैनल पर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं अगर मेरे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कुछ इस तरीके से बैंगल्स को स्टोर करके रखना पसंद करती हूँ कि जितने भी प्लेन बैंगल्स हैं वो सब एक साइड पे रहेंगी, और जितने भी कंगन हैं जो हैवी कंगन होते हैं हैवी लुक वाले, उनको मैं अलग रखती हूँ, जिससे कि मिक्स एंड मैच करने में आसान रहें चीज़ें। गोल्डन और सिल्वर कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए हैं, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ये आपके मोस्टली हैवी आउटफिट्स में अवेलेबल होते ही होते हैं। या तो गोल्डन कलर होगा या तो आपके पास में सिल्वर कलर होगा, कोई ना कोई एक कलर आपके हैवी आउटफिट में ज़रूर होता है, तो इस टाइप की चूड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी है। और इनको पेयर अप करने के लिए या तो आपको वाइट कलर के कंगन चाहिए होंगे या फिर इस तरीके के मैरून कलर के कंगन। मैरून एवरग्रीन कलर होता है, चाहे आप न्यू ब्राइड हो, चाहे आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका हो, चाहे आपको ऐसे ही चूड़ियाँ पहनने का शौक हो, मैरून कलर एक एवरग्रीन कलर है जिसको आप हमेशा हर किसी के साथ में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू इज कि जिस भी कलर का मेरा आउटफिट होता है उस कलर की मैं चूड़ियाँ इसमें से निकालती हूँ, और उस कलर की चूड़ियों को कंट्रास्ट कलर के बैंगल सेट के साथ में, कंगन के सेट के साथ में मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये वाइट कंगन मेरे सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, क्योंकि ये मुझे मोस्टली हर एक आउटफिट के साथ में चल जाते हैं, किसी के साथ कंट्रास्ट में तो किसी के साथ आउटफिट में कलर होता है, दैट्स वाई। तो इसको मैं इन वाइट कलर के बैंगल्स के साथ में बिल्कुल लगाती हूँ, जैसे कि हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ दिखें। मुझे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है हाथों में, अगर कभी किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो डेली वेयर में तो मैं सिर्फ एक कंगन ही डाल के रखती हूँ, लेकिन हाँ कभी कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मुझे बहुत शौक है भर भर के हाथ में चूड़ियाँ होने का, इसलिए मैं इसको इसके साथ में ज़रूर से पेयर करती हूँ। और इसके अलावा बीच में जो भी कलर चाहिए होता है वो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। सैम्पल के लिए मैं आपको एक कलर बना करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पेयर किया है मेरे ये जो वाइट वाले कंगन हैं, इसके बाद में मैंने ये वाइट वाला बैंगल डाला है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रहे वो वाइट वाले बैंगल्स जो मैंने इसके हाथ में डाले थे। इसके बाद में मैंने इस कलर की, ये लाइट पर्पल कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, इसको मैंने डाला है, इस कलर का आउटफिट है इसलिए। और इसके बाद में फिर से वही वाइट बैंगल कंगन, वाइट बैंगल एंड फिर से इसी तरीके से पेयर किया, तो ये बन गई एक हाथ की आपकी चूड़ियाँ तैयार हैं। अगर आपका पूरा आउटफिट केवल इसी कलर का है तो बिल्कुल आपके लिए दिस वन इज़ सफिशिएंट, एक हाथ के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर इसमें आपके पास में और भी कलर्स हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं तो बीच में आप और कलर्स को भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके साथ में इस कलर की चूड़ी को डालने जा रही हूँ, ये लाइट गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं, ये इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं इसको डाल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने बीच में और ये लाइट गोल्डन कलर की चूड़ियाँ भी डाल दी हैं। तो किस तरीके से आप अपने खुद के क्रिएटिव बन सकते हैं, आप इसी तरीके से जितना भी ज़्यादा पहनना चाहते हैं, जितनी चूड़ियाँ आपको पहनना पसंद है, आप इसी तरीके से मिक्स एंड मैच करके इसको बढ़ाते जा सकते हैं। अगर आपकी ड्रेस में कोई कंट्रास्ट कलर भी आ रहा है तो बिल्कुल आप रेड, कॉपर या ब्लू में से कोई भी कलर डाल सकते हैं, जो भी आपकी ड्रेस का कंट्रास्ट कलर है उस कलर की चूड़ियाँ भी आप बीच में डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप जितनी नंबर ऑफ बैंगल्स बढ़ाते जाएंगे आपका ये चूड़ा सेट उतना ही बढ़िया बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी की जगह पे अगर आपको आपके आउटफिट में वाइट कलर नहीं है और सिर्फ ये दोनों कलर हैं, तो इसके साथ में आप इस तरीके के ये पर्पल वाले आप कलर इन बैंगल्स को भी आप पेयर कर सकते हैं। देखिए आप, तो ये वाइट हटा करके अगर मैं पर्पल वाला लगा दूं तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन में जा रहे हैं और किस तरीके का आपका आउटफिट है, उसके हिसाब से आप अपने किसी भी बैंगल को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैं अपने हर एक आउटफिट के साथ में सेम मैचिंग के इसी तरीके से बनाती हूँ।
और सारे सेट। और हमेशा मैंने जब भी किसी भी पार्टी फंक्शन में जाती हूँ, किसी भी ओकेजन में जाती हूँ, हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि हर एक ड्रेस से मैचिंग बैंगल्स मैंने ले रखी हैं। कैसे मैं इतने ज़्यादा माइन्यूटली हर एक के लिए बैंगल सेट बना लेती हूँ, बहुत महंगा पड़ता होगा? नहीं, कुछ भी महंगा नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू दिस कि आपको एक कुछ सेट ऑफ कंगन लेके रखने हैं जो कि हैवी लुक में दिखते हों, जैसे कि ये गोल्डन कलर में है, ये मेहंदी ग्रीन कलर में है, ये मैरून कलर में है, वाइट कलर हो गया। कुछ बेसिक से कलर हैं जो आपके आउटफिट्स में मोस्टली मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको सैम्पल के लिए कुछ शेड से दिखाए हैं। मेरे पास हर एक कलर की प्लेन बैंगल्स हैं, मैंने हर एक कलर की प्लेन बैंगल्स एक एक दर्जन ले रखी हैं और उन्हीं को मैं मिक्स एंड मैच करके इनके साथ में पहनती हूँ। एंड नोबडी गेट टू नोज कि मैंने उन्हीं कंगन को और उन्हीं चूड़ियों को बार बार रिपीट किया है, क्योंकि सबका ध्यान हमेशा जाता है कि आपने जो आउटफिट पहना हुआ है उससे मैचिंग ही आपने बैंगल्स पहनी हुई है। कोई इतना नोटिस कभी भी नहीं करेगा कि आपने यही कंगन को बार बार वेयर किया है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको भी किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है, स्पेशली ये हैक वेडिंग फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वेडिंग्स में हमें कितने सारे नंबर ऑफ़ फंक्शंस को अटेंड करना होता है और इस हैक के ज़रिए आपको कम सामान में आपके हर एक आउटफिट के साथ में आप मैचिंग बैंगल सेट बना सकते हैं। तो बिल्कुल इस हैक को आप भी ट्राई करिएगा। आप भी अपने कलेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे से बैंगल्स और कंगन को स्टोर करिए, अपने कलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाइए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ही अच्छे अच्छे लुक्स बना सकते हैं अपने खुद से, आउटफिट से मैचिंग, हर एक ड्रेस से मैचिंग, टोटल बिल्कुल वैसे ही आपके कंगन का सेट बन सकता है, वो भी एट नो कॉस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मुझे तो ये हैक बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किस तरीके से मिक्स एंड मैच करते हैं अपने बैंगल सेट को, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।